तुहार भी बार ना है। अरे यार छापो संभलो भाई। अरे 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 बढ़िया। हां 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 मार सा तुहार मोछा उठा ना के डॉक्टर ना करो। कौन से हां सेठ जी आवाज है। सेठ जी हमार बिटिया आज 8 दिन से बीमार है सेठ जी। इतना टाइम हो जो है अब अकोलिया सारा भाई आई नहीं आई सार रोज लेट आवत है अब तक देखा होगा था पता ना आई हाँ बताई जब ना मूड खराब होए ना एक भगाई देवे दिला जय राम जी की जय राम काहे बहुत गुस्सा था आवे टाइम है ही अरे का करी घरे उधर काम धंधा थोड़ा देखे घर ही कही लेवा करत अपने काकी नौकरी कही आवत है अरे 10 बजे तक आप जाई जे कर बजा है ड्यूटी का जे काई 9 बजे काई ने हां 1 घंटा लेट हो गया है जा फट जा कहां जवाई जाओ किल्लू चलाई के खेत भर गया अच्छा वो उधर मशीनियां लगा हां मशीनियां जा फट जा तुरंत ठीक है जा सकते और टाइम से आओगा ड्यूटी ठीक है रोज नाड़े तो आ रहियो बाटे माने में कहा कैसे बीती हमारा इतना बड़ा परिवार बा देखा था दिन भर जजमाने का 2 किलो चावल मिला बा अब 2 किलो चावल में चली बेची बीड़ी पान खरीदी घरे दे लड़कियन कहें जीवन उपाय हो ये भगवान का करी हमरे को दिमाग नहीं अच्छा हाँ हमारे एक बकोली दोस्त हैं वो अपने सेठ की नौकरी करता था चला तो वह बकोली भाई से कहा हे भाई हम न पर जब लगवाए देते और बाकी जजमानी से न लड़कियाँ पढ़ाई लिखाई पाओ न कुछ आगे बढ़ पाओ अब चलते हैं उन्हें भैया बकोली से मुलाकात करी तो उन्हें कुछ जीवन उपाय बताई न जिंदगी न बीत पाई सही ढंग से अब 2 किलो 4 किलो मिला था 4 किलो मिला रहा 2 किलो लगे पंडित जी और 2 किलो बचा बा अब 2 किलो में कैसे जीवन उपाय हो चलते भैया के लगे अपने बकोली बकोली तो या सेठ को मशीनियर मिल गई घरे जवाइया अब घरे का जाए चलते ही बकोली भैया से बतला ले कसो बकोली भाई जय राम जय राम और भैया का हाल बा ठीक है ना सब बस घर है घर है तभी माने में आ गया अरे यार दिन भर जजमानी का 2 किलो चावल मिला बस जानता जजमानी में भाई आधा पंडित ले ले हुई अरे कहा ना भाई जवान पंडित मिल गया वा घुसखोर की खाई नहीं पैसा 1 रुपया ना है चावलों में है कब कब 5 किलो मिला रहा अधियाई ले अधियाई ले कहा 4 किलो है ये वे 2 किलो हम ले ले अपन कमो नहीं करता आजकल दुकानियां देखी बंद रखा कहा नहीं खोलता नहीं भाई इतनी मस्ती आ गई है कहा नहीं ये बनवावा था दई देबे ना उठा कोई बात नहीं ये देखते तो बनाई बल का ओकर गटाई काट दे भाई हमारा जुगाड़ अपने सेठ किया था भाई अरे यार नाव ठाकुर अब बताओ आप मना एक बहुत जगह हर जिंदगी भी आसान ना बोलो भाई साहब लगवा भाई नान नान लड़का बच्चा है भाई साहब ऐसे समझ बाजो तुम्हें भूखा सो जा भाई साहब चलो ठीक है हमारे लिए खाए मोर भैया अरे गोड़े रख गिरा गोड़े रख गिरा एकदम सेठ से बात करा अगर भाई अगर तैयार हो जाए तो कह दे मैं अपने मन से ही रखना भाई ठीक है बतिया कल मिलेगी कल हाँ कल मिला तो है बताओ अच्छा ठीक है ठीक है ध्यान रहे भाई साहब ठीक है चला चला तो हाँ ठीक है विसरे दे भाई साहब विसरा बादे यार ध्यान रहे भाई साहब हाँ कल मिला उनका बहाना कही दिया थोड़ी काम रखवाओ पकवाओ मुतिया क्या बकोली के इतना दिमाग का है समझे चला उनको कही दिए कल मिला कल बहाना बहाना कही दिए बस ठीक है बस कहाँ गए खेत अरे यार एक जन आलू खोदा रहे तो उन्हें एक डाढ़ी बनवा
अरे यार, अरे यार तू खेते खेते जाए कुआं दाढ़ी बार बनवा यार करबा भाई मजबूरी चाहे जवान करावा एक किसान हो गया है बतावा तोका भगायु गांव में उतई गांव में बुला लेता है अब दाढ़ी बनवाई है हमें ना है भाई यार खेते में अब पैसा ले नउआ दाढ़ी बनाई दे हमार चलते है आलू खोदे हम मजबूरी है जाए ढेर तुहार बिना बार तुहार मजबूरी समझत है बार चला आओ घरे काट दे बढ़िया से बड़ा बार हो जाए पहले सुना एक रखना झोला में रखा कैंची रखा जानता है तुम्हारी मजबूरी ठाकुर आलू खराब बातिया करे से हम करे वैसा चला घरे तू खाना पीना खा हाँ कही के आवा तू मिला चला सेठ खेत हो लिया चलता है आधा घंटा मिली हाँ हाँ बस गए लादे आलू लाद के आए बस गिराए तुरंत चला 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 ठीक हम जाते हैं फिर चला तू जल्दी आया भैया हमारे नौकरी लगवा बात करे तो हाँ, मोर भैया समझ हम जिंदगी परेशान न भूल साहब अच्छा चला ठीक लगत हमका देखा लिया जाए पड़ी हाना बहाना बहुत करते है मगर क्यों नहीं मानता है शेर से बात करे कहें तब ठीक है लिया या बहुत मंदबे बोले है मगर एक लिया जाए देखा कहा तू पहले जाए हमारू ला दे बताये बाबू साहेब की जय हो यार ठाकुर कैसे आदमी आई बा अरे यार ठाकुर कहा भैया हमारे शेर आदमी के लिए हमार फूल चन्ना ठाकुर नाव ठाकुर है नाव ठाकुर हाँ छतीसा अरे अच्छा है जवान हो बाबू साहब आप बड़वा आदमी है आप मुझे का लागी साहब आप बोले कैसे आदमी लिया बाबू साहब घोड़े में फिर चप्पल तक ना आई बाबू साहब चार पांच लड़कियां हमारे यहाँ अब यह न वही कई कई लड़कियां के दिया है चप्पल लेके रोजी नहीं बनवा जब कहन उसका कहाँ चला चला जजमानी कर है हाँ जजमानी कर है साहब तोहरे सारा में आज है नौकरिया रख ले बहुत गरीब आदमी बहुत गरीब आदमी है तोहार जिंदगी में एहसान ना भूलो बाबू पहले खड़ा हो जा खड़ा हो जा पहले काम धाम कर ले थे हाँ काम धाम कर ले थे हम गोरू बछेरू सब छोड़ बांध ले थे बदल तो सब खोद बांध ले थी किसानी सब काम कर लिया था हाँ हर और सब जोत ले थी आलू खोद ले भाई फरुआ से कौन गोल डाला सब काम कर ले थी सीका बना सब डाल ले थी और काम कर ले थे और का और अरे और जवन चाह तवन कही बार सब तोहार मोछा कैसे आदमी लाया अरे यार तोहार कहा था यार ठाकुर तू महा एकदम मतलब एकदम भाई गया बताओ कहा था मोछा सेट करे तो बोला यहाँ ना है बड़ा बड़ा रहा हम कहे अरे यार सेठ हमारे मोछा मोछा सेट कर बोला है का अच्छा बिगड़ जाही ना तो रखबो ना कहीं काम में बताओ कत लोग और जा रखा अंदर अब ना कहा भाई लगवाई जाए गांव के है वो ठीक बा अब आइन छत सही बुद्धि लगाओगा फिर बोलने ना पड़े फिर जाबे गांव का छूरे का चलाऊंगा ना है साहब करें माल लड़कियां भूखन मर रही हैं ढंग सराह ठीक है हां ठीक बाप से बहुत गरीब आदमी है बहुत असमर्थ है अरे जान तो है ओका कैची उची पहले अंदर रखा होगा जा रहा पर दादा सेठ बहुत गरीब है रख ले काम पे जगह तो ना है लेकिन एक मुसीबत देख के हम रख लेते हैं ठीक है हां ठीक है इनका पूरा काम धंधा बता दे हम साहब साथे बता दे भाई इनका समय में बता दे कि कई बजे आवे क्या बात मान चला कि नहीं ध्यान सिंह का कल सवेरे 9 बजे से सारे हाँ 9 बजे ड्यूटी हाँ शाम 5 बजे तक शेर जी पैसा कितना दे
हमारी ड्यूटी लगी ना तो पैसा कितना दे यार ठाकुर तू इधर मैं छत्तीस एकदम का काम करा काम देख ले सेठ हमारे जितना हम पैसा पाए न पाऊंगे तू हूँ पहले काम देख ले भाई काम अच्छा रहे काम अच्छा रहे जितना बकोली दे थे उतना पाऊंगे पहुँच दे भाई तब फूल चंद आज पहले दिन है अब नौ नए बजे पहले नए दुआर मुहार और देखा था घोड़ा कितना बकायदे सफाई करता बा अब बकोलिए की बा नौ बजे आए कहूँ दस बजे आए और इतना बढ़िया काम ना करा बहुत नंबर एक मेहनती नौकर बा बहुत बढ़िया काम करता है हाँ सेठ जी जय हो सेठ जी की ठीक 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 साल सेठ जी कौन काम कर रहा है कहाँ फूल चंद तेज बाटे सेठ जी हमारा ऐसे चाल है यहाँ से अब बताओ नौ बजे ड्यूटी तू आठ बजे आए कितना तू काम कई दे है अरे सेठ जी हम बकोलिया थोड़ी है सेठ जी कि नौ दस बजे आओ हम आठ बजे हम पूरा काम आ रहा हूँ काम बिगड़े ना दे कौन काम करेगा सेठ जी बताओ अपने हिसाब से करा जोन है ठीक ठीक जा अरे 40-50 कट्टे हमारे बाएं हथवा का खेल है समझा तो लोड कर जाए 40 कट्टे अकेले लोड कर जाए हाँ शेर जी लोड कर जाए सब जाना कहा सब लोड कर जाए गई स्टोर आलू बढ़िया नौकर है भाई बतावा दस मन ही काम अकेले तू कह दिया शेर जी हमरे बहुत ताकत है शेर जी का घोड़ी ना दांत चिंगारे है खबर है शेर जी देखा तोरे बकवास का अब ये ऊपर ना है हां अब कितना काम कर जाए ना दस बजाई वाला बाटे आओ बतावा कौन काम है दूर रहा तनी बताओ कौन काम है बकोली पहले पता करा आवाज बा कि नहीं आवाज बा वाह चला यार टाइमिया देखा टाइमिया देखा टाइमिया टाइमिया देख ले वाह देखा तनी तनी दिखा कहां आवा कहां शेर जी समझ जा देख ले समझ जा भाई बता बस अब ही चला है 10 बजे में 3 मिनट बाकी है ड्यूटी ये कितने बजे का है ड्यूटी तो 9 बजे का है हम कुछ न कहा शेर जी दूसरे कामो न करते ढंग से हाथ ज्यादा बतावा थी हम कुछ न कहा शेर जी अब तू समझा शेर जी बताओ शेर जी कौन काम करे रुक जा काम आज सुबह से ढेर कई दे है पहले आज आवत है उनका हम तुम्हारे सामने आज जो ना है निकाल दे ना सर ना है सर उनका आज भी ना पुलिस निकाला हम समझे ठीक है तो हार मर्जी जैसे कहा खा रही बहुत काम सुबह से कई दिया ठीक है सर भाई बैठा रहा आराम से आवे देखी का आज बहाना बतावत है जय राम भैया जय राम आओ बकोली बहुत सवेर ना आई सोए के आई क्या भाई राम 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 बीमार हो गए हां जाना उठ जा अरे आ रहा है आ रहा है अरे आ रहा है
टाइम कुछ ध्यान बा? हाँ, 10 बजे है। आज तोहर 10 बजे हो रोज के नाटक हो कहो मेरा बीमार तुहार कहो वर्धा बीमार तुहार भाई बीमार तुहरे घर देश बीमार ये हो आदमी आगे देखता है आठे बजे आगे देखता है घोड़ा वोड़ा एकदम बकायदे सब कुछ पूरा द्वार आंगन देखता है एकदम पूरा चमका दे है। अब तुहार का काम बतावा घोड़ा देखा इतना बढ़िया देखा था चमका दे खरारी पानी धुआई वाई पूरे एकदम जैसे आये वैसे चला जा घरे भाई हमारे पास काम ही ना आए काम खत्म हो गए क्या घरे यहाँ से मत आये जा घरे हाँ जा घरे वैसे गलती फूलचंद हाँ हाँ सर हाँ सर बोल आज विदाई कही देते हैं सही बतावा सवेरे तू पूरा काम कही दे हाँ। अब ए आई के अंदर का करी यहाँ उलग सोई ही निका सोई ही है बतावा सोई हाँ। बोला है अब हम ना कहा सेठ जी कि ये चला जाए बा कहो जवाब आज पहले ही दिन आदमी आई है अब इतना बढ़िया काम कही दे है दवाई में चला गया सेठ ही देर हो गए जा दवाई करावा ना जा दवाई करावा हाँ जा घरे दवाई वाई कराई दी आराम से घरे बाद जब पोहका बुलाओ सूचना देता है तेरे पहले जी ना आया देखा हमार ना वही दिमाग जा बकोली एक हफ्ता नहीं तो होकर टिकाइए नाऊ का दिमाग है काम एडवांस कह के सेठ के नजर में हम चढ़ गए अब बकोली महाराज के छुट्टी हो गए ठाए ठाए फिर से कह दे छत सही दिमाग है ए फूलचंद हाँ सेठ जी आवत है हाँ सेठ जी बताओ बैठा बताओ सेठ जी का काम है बैठा तो बताई तब तक बतावा सेठ ये बतावा हाँ सेठ जी बोला अरे एक जगह बैठे बतावा सेठ जी सब काम धंधा ठीक चलत है हाँ हाँ चका चक काम धंधा चलत है कौन चीज के परेशानी कुछ कमी नहीं सेठी तोहरे राज में कौन कमी रही हाँ जितना अपने यहाँ लोग सब ड्यूटी पे लगा है हाँ हाँ सर सब के घरे राशन पानी बराबर जाते अरे बराबर सर कौन बात टेंशन है ना सेठ जी अच्छा हाँ अरे सब दूधे में कुल्ला कराता है दूध भात खाता है मलाई से दांत मलाता है सेठ जी कौन प्रकार की कमी नहीं तोहरे राज में जा अपन जो काम कर हाँ ठीक है जाए घोड़ा वक्त में सुबह हो जाए 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 पूरा जितना वर्कर है सब जवान है आजाद है दूध माठा एकदम आजाद में खूब खाते हैं पियते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं हम भूखे मरते हैं तो मोटे चावल ना है सेठ जी करके हम जाए घर को देख ले अब ये परमाणा देख ले पूछ सामने आई है ना ना ये फूलचंद बहुत सही कारीगर हमारा ए सेठ जी का बताई सेठ जी हमार बिटिया आज 8 दिन से बीमार है सेठ जी बीमार बा हाँ सेठ जी दवाई के एक पैसा नहीं आए घरे में फूलचंद से कहत रहे सेठ जी मालिक से पैसे मांगे आए फूलचंद कहे पैसा जरूरत तो का नहीं है तो का पैसा ना चाहिए फूलचंदोत कहत रहा कहा हम गांव गांव घरे घरे जवन है जाए के एक एक आदमी समस्या देख सुनित है उनका जरूरत पूरा करी था और तू बताओ तो 8 दिन समय एक इलाज ही नहीं कराए देख अब ये समझ ले अब देख ले थोड़ा सामने देख ले ए नहु कहा था हमारे घर 3 दिन से राशन ना आई है सेठ जी जब तक यहाँ बकोली रहन है या नौकरी कर रहे हैं तब तक कोनो दिक्कत हमका लोग का नहीं रहा सब समस्या का हल हो जात रहा और जब से इनका आप हटाए दे उनका रखे ना हाय बे हम लोग मरा कैसे समझ ले सेठ अब समझ ले अब आप ही समझा
फूलचंद कहा था पूरा आदमी एकदम आजाद है, दूध माठा एकदम खराब है। अपने जान बचा ले सेठ जी, पैसा चाहे? हाँ मालिक, पैसा दे मालिक। चलो ठीक है, पैसा था हमारा तो कर देंगे तही। बाकी फुलचंदा आज पूछा तही होती। हाँ मालिक। की का होत बाटे हमारे सब काम करे वाले साथ में? मालिक इतना ना चाहे मालिक, बहुत गरीब मने। शांत रह बैठी, राम दे तही तो का जान भरे पैसा। ला 500 रुपया पकड़ा। धन्य हो मालिक, आप जैसे मालिक कहूँ ना है मेरे मालिक। जा अपने बिटिया के काजे सिलाज करावा, पैसा कम पड़े फिर ले जाओ। ठीक है मालिक, अगर आपकी आज्ञा हो मालिक हम जाए। जा जा सर जी। हाँ मोहक चौरे भरे पूछते गए का खावे हम आप कुछ हमारे मदद करा से। आप घरे जाएं? हाँ। हम चाउर भिजवा दे तुम्हारे घरे। ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है सर, तुम्हें जल्दी कराया सर। हाँ जाते हैं। देखा किसान मजदूर रहन के अपने आँखी सामने देखे ना, और ये बात कह रहा दूध भात वाली बात ना। हाँ। अब हम कुछ ना कहा उनसे, कल जब आई तब पूछ रहे कि अब पड़ जा दूध भात खाद बाकी कैसे भा, कल कैसे मालूम चले? वो खुद ही पूछो, बताइए खुद ही। हम कुछ ना कहा। हाँ हम चलते थे। ठीक है कल मालूम चल गया। हम चलते हैं। कहा था हर काम। हाँ चलते चल जा राम से। ठीक जा। अरे फूलचंद आप बताए बकरी लगाओ जात रहे आप बताए तो सुनील ले शेर मंगवा। हाँ सर जी बकरिया लगाओ जात रहे थे यार। आजकल नेतागिरी बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ सर जी कहा है? अरे बकरिया लगावे ना सब ज्यादा ही नेतागिरी बढ़ गया था। कहा शेर जी कौन बतावा अब कहा रहे? हाँ कि पूरा जितना नौकर है सब आजाद है। सब आजाद है, चकाचक कहाँ शेर जी? हाथ पिए कहा है? दूध माठा का। हाँ दूधे कुल्ला मारता है शेर जी, कहूनो कमी ना है शेर जी। अब तीन वर्कर हमारे लगे आए रहे, तीन नौकर आए रहे भाई। नहीं बकोली क्यों आए रहा मैं लगे ना है शेर ये दूसरा के हो गया। पूरी हकीकत बतावत रहा, पहचान गड़बड़ी हो गया। हाँ हमारे पहचान गड़बड़ी हो गया तो और कुछ ज्यादा ही नेतागिरी बढ़ गया होगा ना है सर। शेर जी तो का कहा था नौकरों खाद पियत है ना बरोबर? हाँ हाँ खाद पियत है बढ़िया। हाँ हमारी बात सही नहीं कही सर जी, हमारी बात सही नहीं कही ना, कौन कमी। एक्चुअली एक औरत आ रही जो है कि ओकरे लड़का के बुखार होत 8 दिन से, ओकरे पास पैसा ना हो का पैसा दे, एक ठोक राशन दे। अब का इधर 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 बकोलियो रहा सेठ जी। हाँ बकोलियो रहा। बस 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 बकोलिया पैसा दई कि सेठ जी उन्हें लिया आई आई हूँ ओका काम से निकाल दिया ओकरे चल लागत बा। अच्छा मनी बढ़ी बा तू ना समझता है सेठ जी, तू हमारे पेट में लात मारे चाहत बा। अच्छा समझे ओकरे बाटे में जी आवा सेठ जी। ये बकुलिया बहुत ईमानदार बात है, देखा मजदूरन का पैसा दे होई पैसा दे के लिए आई आई होई सेठ जी। अच्छा हम पता कहीं ले भाई, हम पता कहीं ले भाई। अब तू टेंशन नहीं ले। हाँ जा तू अपन काम करा, जा जा जाए सर जी। नहीं जा जा आप का जा 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 तो हर ईमानदारी से निकल जाए जा। ये यार लागत सार बकुलिया हमारे पीछे पड़ गई, शेर जी सच्चाई कुछ जान लो, इससे करीब भगवान हमार अगर नौकरी चली जाए लड़का बच्चा हमार फिर भूखा मरेगा, फिर वह बार काटे के पड़े, फिर दरे दरे दुआरे दुआरे फटके के। इतना बढ़िया सेठवा का अपने बेवकूफ बना के रखे हैं, मौज करत रहे पैसा दे मजू तरह के ले जाए घरे पैसा रख बैंक गरुआ गए। लेकिन बकुलिया खैर आए सारा पट्टी लागत खोल दे
देखा भगवान अब तुहरे सहारा बाम। ग्यारह बजे वाला भाई अभी तक फुल चल लो आज ना आई आई कना लेट पे सेठ जी आ गया यार टाइम है हाँ क्या करते रहा है सेठ जी चला गए हम अजीत रहमान के पास काम हम बतावे सेठ जी। अच्छा हाँ यहीं से लेट हो गया सेठ जी टाइम से आवा ठीक बा और बतावा का समाचार बा ठीक का बताए सेठ जी पर्चा बहुत परेशान है अबे काल तक बात करत यहां से काल तक कहत रहा कि पूरा एकदम आजाद है सब मजदूर आजाद है सेठ जी जयराम जी की जयराम जयराम ना है सेठ जी मौजूद रहा बहुत परेशान है यहां से खाए के दाना नहीं है तब तक भूखा मरत है बट काल कहत रहा कि पूरा एकदम मजदूर आजाद है दूध माठा घी ऊंचा दूध माठा सब पर्जा खात हां जिन्ना मतलब वहां पर मौजूद राहुल किसान जिन्ना है बतावा काल यस कह है आज ही कहत है का बात है कई दिन सब हो कई दिन सब गरीब हो गए बताता अमीर रहे नहीं हां एक दिन गरीब हो गए 24 घंटा में ठाकुर बतावा बताओ 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 सेठ के बतावा अब का है सेठ हाँ। अब हम हकीकत बतावा तही अनाज काहे लेट भयन है हाँ। पूछा गाय बार खूटा पहन के पूछा पूछा ए ठाकुरिया वा अपने गैया गैया बतावा का हो गए काहे रोवा था पूछा काहे रोवा था रोवा जी बतावा गाय का हो गए इनका काहे रोवा है मेरे नवाज गाय को अल्लाह के पता नहीं कौन चले मल्ले पूछा गाय कहाँ गई इनका नहीं मालूम है सेठ ए ठाकुर रोवा जी गाय तो हर हैरान नहीं बा गाय हम अपने लग जाए खूटा बांधे यही खूटा बांधे हाँ चोरी नहीं कर सेठ या बड़े करे कि दूध रोज पूछा दूध माठा दही रोज खात रहे कितना किसानन अपन खाए हम अयोध्या पूछा आज इतना लेट कहाँ है आज बतावा गाय हेरत रहना देखे तू गाय पपरा होकर जात रही नहीं हाँ ये बताओ था किसानन के घर है अपन पता लगावे कि का खाता है का नहीं गाय हेरत रहे पपराओ देखे लाठी लेके भगा जात रहे दूध माठा खात रहे एकर मतलब जरा पूरी दुनिया खात रहे जन पैसा देख रहे सब अपने लगे रख लेत रहे अब आज तोहार गाय चोरी हो गई आज दूध माठा ना मिलते बात कहा था कि दूध माठा क्यों ना खात परेशानी इतना बड़ा छत्ती सा दिमाग लगा होता है रोए काहे ना सोचो आज हमारा फोन खुल गई ये बार रोता है आज हमारा बकोली है खुलवा खोल दे तू का से चल चल तो यहां नहीं 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 अब काम करो कथा से रुका 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 बैठा आराम से बैठ अब फूल चंद आ हो चाहे गलती के चमा कर जाते अब ऐसे गलती ना कर ऐसा आए फूलचंद पूरे बटुआ के चावल में सिर्फ एक ही चावल टोवा जाता है पूरा एक एक चावल ना टोवा जाए है रोवा था ठाकुर अब गोड़े मुड़े जिनके रहा है तो हर असलियत बोल खुल के बाबा मालूम चल के बाबा तू का चीज का कार करत रहे साहब हम गरीब रहे अमीर बने चाहत अमीर बने चाहत रहे और जितना हमार बेचारे नौकर रहन बतावो उनका बिना राशन हर चीज देत रहे तू अपने घरे रख लेत रहे ओकर बेच ना होत रहे हां और जाए आ सो तो का हम काम पे निकालत है कब जिम्मेदार है क्या नहीं सर रखा इनका हम चलते हैं तू बैठा रहा तू यहाँ से बकोली रही नहीं नहीं तो का हम बिल्कुल रखा ऐसे दगाबाज हमार बकोली बढ़िया रहे भय लेट आवत रहे
लेकिन तू ना बढ़िया है, तू दगाबाज आदमी है, हमारे नौकर साथे बहुत जौन बेचारे ना पर खून पसीना जरा काम करता है हम भैया पूरा कर्म का बुरा नतीजा आज हम बकोलिया के साथ छल कपट ना करे हो तो बकोलिया हमारे साथ छल कपट ना करे आज हम अपने करने के पश्चाताप करते है भैया रे आप सब ऐसा जिन करे मजो दराग साथे अच्छे तरीके से पेश आया कुछ हमने कहा कहाँ घरे जा अरे चलिए का करो रुका चल सही बाबा ना ना नहीं अरे का रुकबे अब हम चले कहूँ काम धंधा अपन हेरी देखे रुका 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 वो चंद आज आप गुस्सा मुका भगा इधर फिया फिर हम चल चल का नाम जिन ले इधर आवा जान से चल नहीं नहीं इधर आवा का रुकबे सेठ हम फूलचंद यहाँ नौकरी न करी ठीक बा आज के बाद इतना बढ़िया वफादार नौकर तो हाथ फूलचंद वो तो हम देख ले ठीक बा अब नहीं बुला ले काम करिए चलिए चल रुका रुका फूलचंद हम देख ले ठीक बा अब काल से तू टाइम से 9 बजे काम पे आई जाए नहीं सेठ हम किसी काम हम ना कराओ नहीं बुला ले जाना नहीं सेठ तोहरे जैसा वफादार नौकर हमका आज तक ना मिला रहे तो हम ओकरे चालबाजी से निकाल दे रहे ले तब कहता ही यहाँ ना मान मन तो तुम्हारे यहाँ काम करे नहीं करे बहुत दिन करे अब मान मन नहीं कर रहा नहीं 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 अब ले तू कहता ही यहाँ तो फिर आओ भी यहाँ से कल से टाइम से अपने आई जाए काम देखा सर जैसे माओ तो उससे आओ अगर रखा को रखा ना राम ना नहीं नहीं ठीक वैसे 11 बजे आओ 12 बजे आओ तो हम मन मन को रखा वैसे आया लेकिन हमारा जितना नौकर है सब देखभाल बराबर के है ठीक है ठीक है कल तू आ जाए ठीक है ठीक है कल से आई जाए तो ड्यूटी चलता हाँ ठीक जय राम से जा